थी इलेक्शन टाइम्स में, और उससे पहले भी एक अफवाह भरी खबर मेरे बारे में और चलाई गई थी। मैं इसका खंडन करते हुए बताना चाहूंगा कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर आज भारत आदिवासी पार्टी का जो वर्चस्व है, जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जनाधार बढ़ता जा रहा है, पिछले 3 महीने पहले अस्तित्व आने वाली पार्टी 3 महीने के भीतर भीतर 12 लाख वोटर्स को अपने साथ जोड़ देती है और साथ ही 3 विधायक निकालती है, और थोड़े दिन बाद में लोकसभा के इलेक्शन के अंदर देश के अंदर एक झकझोर करने वाला ऐसा रिजल्ट देती है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की संसदीय सीट से सांसद बनाकर हम दिल्ली भेज देते हैं। इसके बाद में इस पार्टी का बढ़ता प्रभाव राजस्थान के अलावा भी आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत के अंदर भी फैलता जा रहा है, जिसको देखते हुए अन्य सभी राष्ट्रीय दल सारे इस जुट गए हैं कि कैसे इस पार्टी को षड्यंत्र पूर्वक कैसे इसमें आपसी दरार पैदा की जा सके, इनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो आज इन्हीं साजिशों के साथ में कई तरह की भ्रामक खबरें आ रही है, उन खबरों से उनको बचना है। यदि कोई भी निर्णय कभी भी होगा, हम लोग सामाजिक सिलेक्शन आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा चुने हुए हैं, और जब भी जो भी निर्णय होगा हमेशा जाजम पर होगा, सामाजिक प्रणाली के तहत ही होगा। अभी 84 और सलूम्बर का उपचुनाव है, उस उपचुनाव के अंदर हमारा पहला फोकस यही होना चाहिए कि उपचुनाव के अंदर हम लोग कैसे हमारे प्रत्याशी को जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजे, क्योंकि अभी और भी कई तरह के षड्यंत्र हमारे साथ होंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी हो सकते हैं, और हमें इस बात से बचना है कि अफवाह आएगी। जो अखबार पहले छपकर बिकते थे, आज मुझे लगता है कि बिककर भी छपने लग गए हैं। इसलिए विधानसभा के अंदर भी जब मैं मेरा बात रख रहा था, उस वक्त भी कोई भ्रामक खबरें उसी तरीके की आई थी। आज तक उसका खबर किसने छापी, कैसा, कुछ लोगों का पता तक नहीं लगा। ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई भी करेंगे। फिर भी कार्यकर्ताओं में एक संदेश देना चाहता हूं कि हमें अपने लीडर पर विश्वास रखना है, हमें सामाजिक विचारधारा पर विश्वास रखना है, और आज हमने राष्ट्रीय पार्टी को हराने में कामयाब हुए हैं। आगे जैसे जैसे आप सबके भरोसे साथ संघर्ष के साथ में चलेंगे, और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर इस भारत आदिवासी पार्टी को हम लेके जाएंगे। मैं पुनः आप सबको जोहार करता हूँ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।